इट इज़ अ वन फाइन मॉर्निंग माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। मैं और जोई पिछले कितनी देर से प्लान कर रहे थे कि कहीं वेकेशंस पे चलते हैं। अभी मैंने उसको बताया नहीं है, मैंने उसको सिर्फ यही बोला है कि मेरे लिए नाश्ता ले आओ। तो जैसे ही वो आएगी उसको मजाक मजाक में ऐसे ही दोबारा व्लॉग स्टार्ट करते हुए कहेंगे कि चलो आज कुछ एडवेंचर करते हैं, कहीं बाहर फिर के आते हैं एंड लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। तो चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, जाके कुछ बना के आते हैं। कोई कोई तो रिएक्शन होना चाहिए, इतनी भी तो। ओह माय गॉड, बाहर जाना ना, ये कह रहे थे आवाज सुना के। चलो इस्लामाबाद चलो। ना एक दिन के लिए नहीं, बैग पैक कर लो। अच्छा चलो, सीरियस कह रहा हूँ। क्या चलो चलो यार, क्या मसला है, मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, उठो सवा नौ हो गए। ना अब तंग क्यों कर रहे हो? मैं तंग नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ, जाना है तो उठ। तो फाइनली तकरीबन शादी के 5 माह के बाद हम दोनों कहीं ना कहीं अकेले जा रहे हैं हॉलीडे पे। अभी फिलहाल हम कहाँ पे जा रहे हैं? इस्लामाबाद जा रहे हैं हम लोग। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरी शक्ल देख के पता नहीं चल रहा कैसा लग रहा है। तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता गुजर चुका है इस्लामाबाद का। अभी मसला ये हो गया है, ना इस्लामाबाद के रास्ते मुझे पता है ना इसको पता है। अब देखते हैं हमारा ये ट्रिप जो है वो कैसा जाता है कैसा नहीं। गूगल मैप तो जिंदाबाद पर कुछ तो पता होना चाहिए। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, पिंडी सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है एंड वी स्टॉप हेयर फॉर अ क्विक लिटिल ब्रेक, ताकि अपनी टांगे शांगे जो है वो सीधी कर ली जाए, अपनी कमर सीधी कर ली जाए और गाड़ी को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए। एंड माशाल्लाह दिस कार वाज गिविंग अबाउट 23 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज एंड दैट्स मैसिव। सो फाइनली हम लोग पिंडी पहुंच चुके हैं और अब टोटली रिलाय हम सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप्स पे कर रहे हैं। अगर गूगल मैप्स आज कोई धोखा ना दें तो अभी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर लो। सो फाइनली गूगल मैप ने हमें धोखा नहीं दिया और हम लोग अस्करी 14 पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेरी फुफो रहती हैं और उनको मिलने हम आए हैं और अभी भी हम वैसे एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचे, बट अस्करी 14 में पहुंच गए हैं। आगे घर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा, होप सो। गूगल मैप ने हमारे साथ बस इतनी सी ज्यादती की थी कि हमने जाना अस्करी 14 के सेक्टर बी में था, लेकिन सेक्टर बी जो है वो गूगल मैप्स में आ नहीं रहा था। हमने सेक्टर सी की लोकेशन लगाई और सेक्टर सी में पहुंच गए थे। अभी दोबारा अब सेक्टर बी में हम आ गए, तो जब आप अपने फोन पे ढूंढ रही थी आपको तो स्क्रीन 14 ही नहीं था मिल रहा। मैंने कभी गूगल लोकेशन इस्तेमाल नहीं की। आगे गूगल को भी जो है ना वो जी नहीं, मेरे बदामों की जरूरत है। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड अस्करी 14 सेक्टर बी स्ट्रीट नंबर 10। तो जोई अंदर चली गई है तो मैं भी पहुंच जाऊं बस अंदर। अस्करी में भी लाइट जाती है, तकरीबन 1 घंटा हो गया। पेरिस में भी लाइट जाती होगी वैसे, लेकिन हमें अस्करी वालों ने कहा था यहाँ लाइट नहीं जाती और हमारे कदम इतने शुभ साबित हुए हैं उनके लिए। ये अस्करी वालों ने जो स्क्रीन में रहते, 5:15 बजे की लाइट गई है, 6:15 बज रहे हैं। अब हमने अपनी बेगम को कहा कि अपने कपड़े बदल लें तो बदल लो, कहीं बाहर चक्कर लगा के आते हैं। चलो चलो बाहर चले, बाहर चले। मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलो हो गया तैयार।
मैं कपड़े बदले ही नहीं है, तुमने बदले। ओके अभी हम देख रहे हैं कि अस्करी के अंदर कोई अच्छी लोकेशन आ जाए जहाँ पर चलो जाके कुछ टाइम स्पेंड कर ले। अस्करी क्लब गए थे लेकिन क्लब के पास भी कोई खास तर खास जो लोकेशन थी वो उन्होंने खत्म कर दी हुई है। बंद था वैसे भी अंदर। ये क्या था सेक्टर सी वाला कौन सा गेट था, हम कहाँ से गए थे? कुछ मुझे पता होता तो मैं बताती ना आपको, ये सामने वाला ही होगा पता कर लो। यहाँ से ही हमारे मित्र फैला। अच्छा जी क्या हुआ अभी आपके साथ? पहली दफा इन्होंने बेकरी दफा मना, मैंने इनको मना किया कि यहाँ पे सेक्टर बी में कैश एंड कैरी था, तो ये वहाँ गए जी वहाँ पे बेकरी आइटम्स लेने थे। बट आई टोल्ड हिम कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वहाँ से वापस आए और अभी ही इज ट्राइंग टू बी सो ओवर स्मार्ट। क्या किया आपने आप खुद बता दें। सेक्टर सी के एंट्रेंस पे मैंने उसे कहा कि स्ट्रीट नंबर 10 पे जाना, उन्होंने कहा सर हाउस नंबर। फिर मैंने एक सेकंड सोचने के बाद कहा कि मुझे हाउस नंबर का तो पता नहीं, हम सेक्टर बी में आए हुए हैं। तो फिर मैंने उसको हाउस नंबर बताने की बजाय सच ही बता दिया कि सर हम सेक्टर बी में आए हुए हैं, यहाँ से व्यू देखने जाना। फिर उसने कहा जाओ। ये ना हो इतनी सी बात में आप कितने खुश हो रहे थे? खुश नहीं होते, मैं आपकी चलाकी पे हैरान थी। यार अस्करी के लोग पता नहीं किस तरह रहते होंगे। अस्करी के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, इतनी पुरसकून जगह। नो वे मैं रह सकती हूँ यहाँ पे, इतनी पुरसकून जगह है, और क्या चाहिए इंसान को जिंदगी में, सुकून होना चाहिए। पूरे अस्करी की लाइट गई हुई है, सेक्टर ए बी सी डी सारे फिर लिए हमने, सबकी लाइट गई है। ओवरऑल यहाँ पर तो ब्लैकआउट वाला ही हिसाब है। ये एक ग्राउंड के अंदर सिर्फ ये दो बल्बियाँ, वो दिखाओ जरा, सिर्फ इन दो बल्बियों के सराहने आके हम यहाँ पर बैठे हैं कि चलो थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं। आज के दिन का जो वाहिद एडवेंचर है वो मेरा ख्याल है यही होगा कि मोहतरमा गाड़ी चला रही हैं और मैं साथ बैठा हुआ हूँ कलमा पढ़ता हुआ कि बस अल्लाह ताला खैर करें। सो हाउ आर यू फीलिंग ड्राइविंग करते हुए जरा बताएंगी? तो कुछ भी नहीं, जब मुझे सही आ जाएगी ट्रैवल करी हो। ये पांचवी बार चला रही है और हर बार गाड़ी में बैठने से पहले इसको बताना पड़ता है कि ब्रेक दुबा के गियर चेंज होता है ऑटोमेटिक गाड़ी का। मैनुअल तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं, और बाबूजी मेरे को लगता है कि वो जो जरूरत है ना वो बहुत देर बाद आएगी। आप ऑटो पे सिर्फ स्टीयरिंग सेट रखना सीख लो, बाकी मैनुअल तो बड़ी दूर की बात है, उसको हम बाद में सीखेंगे। अब आप इधर जा रहे हो, गाड़ी सीधी क्यों नहीं रखते? गाड़ी तो सीधी है, ये अब कहाँ सीधी? अच्छा गाड़ी सीधी है, सड़कें टेढ़ी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, गाड़ी सीधी है सड़कें टेढ़ी जाए, मेरे को पता नहीं था वो, तो मेरी माजरत।